जुहू इलाके में हाल ही में किशोर कुमार बाग और विजय तेंदुलकर एमपी थिएटर का इनॉग्रेशन किया गया। इस बाग में जाने पर वाकई आपको एक आत्मीय सुख मिलेगा। रंग बिरंगी फूलों के बीच बड़े बड़े पेड़ और चहचहाती गिलहरियों की सुगबुगाहट आपका मन हर लेगी। तो वहीं विजय तेंदुलकर एमपी थिएटर के खुले मंच पे नए युवकों के नए जोश और उनको उनकी नई कलाकृतियों को बिखेरने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। लेकिन इस बाग को बनवाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी और तमाम मुश्किलों के बाद कैसे किशोर कुमार बाग को उसका वजूद मिला, ये हमें बताया यहाँ के रहवासी और इस बाग को बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाली नीता वाजपेयी और शंकर सुब्रमण्यम ने। फीलिंग उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको महसूस करना पड़ता है। यहाँ के जितने लोग हैं जिन्होंने काम किया वो तो अति खुश हैं, बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि उन्होंने वो कामयाब रहे, क्योंकि हमें आजकल लोग नेगेटिव सोचते ज़्यादा, पॉजिटिव कम सोचते हैं। नॉर्मली सोचते हैं कि ये कोई भी चीज़ को आप शुरू करें तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो कभी होगा नहीं, और लोग ये भी कहते हैं कि ये पहले 10 लोगों ने ट्राई किया, कामयाब नहीं रहे, आप 11वीं हैं, आप भी फेल हो जाएंगे। तो वो जब सक्सेस मिलता है, और सक्सेस अपने लिए नहीं सारी समाज के लिए या जहाँ पे आप रहते हैं, तो उन आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, सुखी मिलता है, और फिर उन लोग को भी आप कह सकते हैं कि भैया पॉजिटिव रहना चाहिए, नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ेगी, वो पीछे ही जाएगी। तो ये पार्क के बारे में दो चीज़ मैं सोच रहा हूँ और सोचता रहा हूँ। एक तो ये है कि हम लोग इस दुनिया में, इस ज़मीन का हम लोग केयर टेकर्स हैं। ऊपर वाले ने हमें परमानेंटली कुछ ये ठेका नहीं दिया है, ठीक है, हमारे बाप दादे जो भी हैं, जो भी चल के आए हैं, और हम भी इधर परमानेंटली रहने वाले नहीं हैं। तो जो केयर टेकर है, वो केयर टेकर का फ़र्ज़ ये है कि आगे के जनरेशन्स के लिए इसको संभाल के उनको दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई जगहों में हम लोग नेचर को, प्रकृति को हम लोग सत्यानाश कर रहे हैं, अब उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हम बच्चों को देखते हैं, वही चीज़ हमको करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम घर के सामने, आसपास में, घर के अराउंड हम साफ करें, झाड़ू मारें, पोछा सब करें, और फिर बाहर कचरा फेंकें ताकि कोई और करें। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण आइडिया, थॉट ये है या सोच ये है कि लोगों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है कई कारणों से, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है, डॉक्टर लोग जानते हैं। और फिटनेस का जो है, फिटनेस का जो कॉन्सेप्ट है, या तो चलने का, या तो स्पोर्ट्स कोई खेलने का, या जॉगिंग करने का, या जो भी है, ये बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसमें ऐसे जगहों का बहुत इम्पोर्टेंस है, मुझे ये लगता है कि ये दोनों चीज़ जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है इस ये कैफे आज़मी गार्डन, किशोर कुमार बाग, और बीच में विजय तेंदुलकर रंगमंच, ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन किशोर कुमार बाग में पूरी रंगीनियाँ, मतलब दरख्तों की रंगीनियाँ, जो श्रब्स हमने लगाए हैं वो अलग अलग रंग के हैं, तो उसमें अपने आप आपको महसूस होगा कि किशोर कुमार जी यहाँ पर कहीं ना कहीं फिजाओं में है, गा रहे हैं, क्योंकि वो जुहू में ही रहते थे। और जब हमारा इनॉग्रेशन हुआ था तो हमने अमित कुमार को भी बुलाया था, वो बहुत खुश हुए कि उनके फादर के नाम पर कहीं पर भी यहाँ पर कोई गार्डन नहीं है, कहीं पर कोई इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं रखा गया है। और जो हमारे देश के एक बहुत बड़े गायक रहे हैं, उनकी आवाज़ चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, सभी के दिलों में, जहन में अभी तक गूंजती है। तो क्यों ना जुहू में ही, जहाँ पर उन्होंने इतने साल गुजारे हैं, वहाँ की फिजाओं में किशोर कुमार बाग के द्वारा गूंजे। हमसे बात करते हुए नीता वाजपेयी ने बताया कि क्यों इस बाग का नाम किशोर दा के नाम पे पड़ा, कैसे विजय तेंदुलकर एमपी थिएटर में नौ कलाकारों को अपना टैलेंट एक्सपोज करने का मौका मिलेगा। साथ ही ये भी बताया कि आने वाले समय में यहाँ पे बड़े बड़े सितारों का स्टैचू भी बनवाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है इस ये कैफे आज़मी गार्डन, किशोर कुमार बाग, और बीच में विजय तेंदुलकर रंगमंच, ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन किशोर कुमार बाग में
पूरी रंगीनियाँ, मतलब दरख्तों की रंगीनियाँ, जो श्रब्स हमने लगाए हैं वो अलग अलग रंग के हैं, तो उसमें अपने आप आपको महसूस होगा कि किशोर कुमार जी यहाँ पर कहीं ना कहीं फिजाओं में है, गा रहे हैं, क्योंकि वो जुहू में ही रहते थे। और जब हमारा इनॉग्रेशन हुआ था तो हमने अमित कुमार को भी बुलाया था, वो बहुत खुश हुए कि उनके फादर के नाम पर कहीं पर भी यहाँ पर कोई गार्डन नहीं है, कहीं पर कोई इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं रखा गया है। और जो हमारे देश के एक बहुत बड़े गायक रहे हैं, उनकी आवाज़ चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, सभी के दिलों में, जहन में अभी तक गूंजती है। तो क्यों ना जुहू में ही, जहां पर उन्होंने इतने साल गुजारे हैं, वहां की फिजाओं में किशोर कुमार बाग के द्वारा गूंजे। और विजय तेंदुलकर रंगमंच में जहां हम एक समागम होगा, कल्चरल मीट होगी, वो फ्यूचर में हमारी प्लानिंग है। और उसके बाद हमारे कैफी आज़मी पार्क है, जिसकी अपनी एक खासूसियत है, अपनी एक ब्यूटी है, जो जॉगर्स हैं, वॉकर्स हैं, उनको एक मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर 20-25 साल के पेड़ हैं जो इतनी अच्छी छांव देते हैं, जैसे घर का बुज़ुर्ग आपको छांव देता है। तो कैफी आज़मी पार्क में आप बैठे बैठे वही फीलिंग आपको मिलेगी। ये हुआ एक तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा वॉक, जो शायद मुंबई में आपको कहीं नहीं मिलता है। और उसके बाद एक चिल्ड्रंस पार्क है, जिसे हम 10th रोड के और इस तरफ के बीच हम अंडर पास से उसको ज्वाइन करेंगे। तो जब ज्वाइन करने के बाद, ये हमारी प्लानिंग है, बीएमसी की प्लानिंग है, डीपी में इसकी प्लानिंग वो दर्ज करा ली गई है। तो जब वो ज्वाइन हो जाएगा चिल्ड्रंस पार्क के साथ, तो वो उसकी एक अलग एक कहा एक अलग उसका फीचर्स है, कि वो पूरा उसका जो ग्राउंड है पूरा मड का है, सीमेंट का नहीं है, कंक्रीट नहीं बनाया गया, मड का है। तो जो हमारे घुटनों के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं, वॉकर्स के लिए इट्स अ वॉकर्स डिलाइट। तो ये जब पूरा हो जाएगा एक साथ, तो 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला आप दिन में एक बार 2 वॉक ले लो, आपकी तबीयत में अपने आप सुधार हो जाएगा। जुहू रहवासियों की एक शिकायत भी है कि कैसे फेरी वालों और हॉकर्स गार्डन के बाहर आकर जबरदस्ती अपना कब्जा जमा रहे हैं। लोग गार्डन के फुटपाथ पे अपनी बाइक साइड में लगा देते हैं, जिससे राहगीर को रोड पर चलना पड़ता है। और ये मसला महज एक जगह का नहीं है, बल्कि पूरे मुंबई में ही ऐसा हो रहा है, जिससे मुंबई कर बेहद परेशान है। जुहू के लिए हम चाहते हैं, हम एक पूरा सिटीजन्स ग्रुप है, मूवमेंट हम चला रहे हैं कि फुटपाथ एकदम एंक्रोचमेंट फ्री रहे, कोई ठेले वाला नहीं, कोई सब्जी वाला नहीं, फुटपाथ लोगों के लिए होता है, वॉकिंग के लिए होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि फुटपाथ हम लोगों को वापस मिले। इतने जो जमावड़ा हो रहा है फुटपाथ्स पे, और न सीनियर सिटीजन्स वहाँ पे से वॉक कर सकते हैं, न हम लोग आ जा सकते हैं, हमारे लिए बना है और हम ही उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फुटपाथ एंक्रोचमेंट तो हमारे देश में हर जगह है, क्योंकि इतना डिसिप्लिन नहीं है, और इतना डिसिप्लिन लोगों के पास इतना डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि जो पेनल्टी रहता है वो पेनल्टी मामूली रहता है। पेनल्टी अगर सख्त होगा तो लोग 2 बार 10 बार सोचेंगे, जैसे कि इन्होंने बताया कि कॉन्फिस्केट होता है सामान लेके जाते हैं बीएमसी, फाइन शायद उतना स्ट्रांग नहीं है कि ये लोग दोबारा नहीं करें। बस मैं यही कहना चाहूँगी फुटपाथ के इशू के लिए, कि हम जैसे लोगों को जो अवेयर हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों जो इलीगली इंक्रोच करते हैं फुटपाथों को, उन लोगों की आदत होती है पहले एक बंदा आएगा, वो सेटअप हो गया पूरा, किसी ने उसे रोका नहीं, तो वो अपने साथी को भी बुलाएगा, इस तरह मशरूम होता जाता है और पूरा फुटपाथ कैप्चर हो जाता है, ना लोगों को चलने की सुविधा मिलती है, और बाद में क्या क्या नेफेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं उन लोगों के बीच में, वो हम भुगत भी चुके हैं। इसके लिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जब पहला बंदा ही आए उसे रोक दिया जाए, उधर ही रोकथाम कर दिया जाए, और साथ में हमारी सरकार को भी साथ में हमारी मदद करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। कोई भी आता है सामान, रोज़ एक एक नया सब्जी वाला आता है, कोई यू नो व्हाट दैट
इडली वाला बनाने, यू नो वड़ा पाव बेचना, रोज नया नया एवरी सब जगह में आ जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है हमको। तो अभी हम रोज एक एक फ़ोटो निकाल के हम जाते हैं बीएमसी ऑफिस के, बताते हैं यहाँ नया आदमी है, यहाँ नया आदमी है, और जितना यहाँ है हम ट्राई कर सकते हैं, हम करते हैं कि हाँ से रहा है, ये नहीं कि ये काफ़ी सालों से है। सो अभी तक रिस्पॉन्स आता था कि वो सुनते थे लेकिन वो वापस आ जाते हैं। सो वी आर जस्ट होपिंग कि एक सोल्यूशन हो कि परमानेंट होना चाहिए कि फुटपाथ से निकाल के उनको कहीं और बिठाएं, और एक तो वो जो हॉकर्स हैं उनको ख़रीदने के लिए लोग भी आके गाड़ी वहाँ पार्क कर देते हैं, एज इट इज़ नैरो रोड्स है, इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है, स्कूल के बच्चे रोड पे चलते हैं और पूरा एक लोग ही लोग होते हैं, कुछ चलने का जगह नहीं, इट्स बिल्कुल केओस। इसलिए जनता की आवाज़ को और बुलंद करने के लिए, उनके हक को उन तक पहुंचाने के लिए इन 24 न्यूज़ ने कहां गया मेरा फुटपाथ मुहिम छेड़ी है, जिसका मुंबई कर तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। इन 24 बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप लगे रहिए इसी तरह, मुंबई की धड़कन है आप, पल्स हैं आप, और हमेशा इस पल्स को फील करते रहिए। जो भी समस्याएं हैं उसे बारीकियों से उसको स्टडी करिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। बहुत अच्छा है, क्योंकि मीडिया का काम यही है मेरे ख्याल से, और उनका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो सोसाइटी में हो रहा है या जो भी सब्जेक्ट उठाते हैं उसको फैलाने का और लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का, है ना। तो अगर अभी ऐसे चैनल्स जैसे आपकी चैनल इन 24 है, अगर आपके माध्यम से ये मैसेज लोगों को फैलता है तो लोग एक साथ बैठ के वो टीवी पे जो भी देखते हैं उनका अवेयरनेस बढ़ता है, और जब कोई उनके पास जाके ये सब्जेक्ट छेड़ते हैं या बात करते हैं तो वो कहेंगे कि हमने इन 24 का भी देखा था प्रोग्राम, तो रीइन्फोर्स होता है। और फिर घर में अगर बात करते हैं रीइन्फोर्स होता है, जितना रीइन्फोर्समेंट किधर से भी आए वो वेलकम है। और आप लोग मेरे ख्याल से इन 24 अच्छा ही काम कर रही है ये सब ये अवेयरनेस और ये थॉट बढ़ाने की, क्योंकि अपना न्यूज़ जितना न्यूज़ हम देखते हैं कभी कभी ऑफ कर देते हैं क्योंकि न्यूज़ नेगेटिव है, ये न्यूज़ इतना अच्छा है। आप प्रकृति और अपने ज़मीन और इसको आप सपोर्ट ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी काम है, अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू। एक मीडिया का यही दायित्व होता है कि जनता की समस्याओं को जनता तक पहुंचाने का, और जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसे अच्छी तरह से एक पैकेज बनाकर जनता तक प्रस्तुत करने का, ताकि जनता निर्णय ले सके और हमारी सरकार भी निर्णय ले सके। इसके लिए जो इन 24 न्यूज़ कर रही है वो बहुत ही सराहनीय काम है, और इसके लिए ऑल द बेस्ट। कुल मिलाकर कहा जाए तो जब मुंबई में इतने खूबसूरत बाग, एडिटोरियम, गार्डन बन रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सुरक्षित रखें, फुटपाथ महज फुटपाथ बनकर अकेला ना रह जाए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस पर चलें और स्वच्छ भारत का अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया है वो अपना स्वर्णिम रूप ले सके। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ पूनम यादव, इन 24 न्यूज़, मुंबई।